अस्सलाम वालेकुम, हानिया फूड कॉर्नर में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बड़ी ही इजी, क्विक और झटपट से तैयार हो जाने वाली रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तड़का की रेसिपी। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। दाल तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चने की दाल ली है आधा किलो और इसके मैंने कंकड़ साफ़ कर लिए हैं और इसे अब हम 3-4 पानियों में से अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि दाल अच्छे से साफ़ हो जाए। दाल यहाँ पर अच्छे से साफ़ हो गई है। एक खुला बर्तन लेंगे, इसमें मैंने डाली है दाल और दाल में मैंने डाला है 4 गिलास पानी। इसे हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। घी में मैंने डाला है 1 टेबलस्पून ज़ीरा और इसे हम करकरा लेंगे। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को अच्छे से गोल्डन कर लेंगे। जब प्याज गोल्डन हो जाएगी इसमें हम 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर चॉप करके हम इसमें डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। 2 चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून खुश धनिया डाल के और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 टेबलस्पून पानी डाल के इसे हम कवर करके रख देंगे, टमाटर अच्छे से गल जाएँ और मसाला घी छोड़ दें। ये देखें, यहाँ पर टमाटर अच्छे से गल गए हैं और मसाले ने घी छोड़ दिया है। दाल भी बॉईल हो गई है और दाल को अब हम मसाले में डाल के और इसे मिक्स कर लेंगे। दाल हमारी रेडी है। इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके रखेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। देखिए, दाल हमारी रेडी है। अब हम तड़का तैयार कर लेंगे। तड़का तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 4 टेबलस्पून ऑयल, 3 से 4 अदद दखनी मिर्चें डाली हैं, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से करकराने के बाद दाल के ऊपर हम तड़का लगा लेंगे। ये देखिए जी, हमारी ज़बरदस्ती रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तड़का तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं फिर मिलूंगी एक नई ज़बरदस्त और अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।